और भाई ये देखो हमारा छोटा सा घर, छोटा सा तो क्या ही है भाई, अगर ये बन जाए ना प्रॉपर तो कितना सही लगेगा ये। और गाइस इसका होम टूर दूंगा मैं, ठीक है, उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, तब देखते हैं हम लोग। गाइस ये देखो हमारे यहाँ का मंदिर, जय भगवान जी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानस कंटेंट ब्लॉग्स। और गाइस अभी आप लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने कैची धाम के दर्शन करे थे, और अब हम लोग जा रहे हैं भाई अपने गाँव को निकल रहे हैं। इतनी बारिश हो रही है यहाँ पर, देख रहे हो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, दिखाऊं ये देखो लगातार भाई बिल्कुल रुक नहीं रही है बारिश। क्या हुआ? हाँ वो सही है, परफेक्ट है। और गाइस चलो अब निकलते हैं यहाँ से भी, और बहुत ज्यादा बारिश है, हल्के हल्के चलेंगे, और अभी चलते चलते रुकेंगे भी एक आध जगह, तब दिखाऊंगा लोगों को व्यू कितने प्यारे प्यारे आते हैं। तो गाइस हमारा पहला स्टॉप दिखाऊं आप लोगों को, क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई, क्या प्यारा व्यू। कहोगे भाई तुमने बात है मानस भाई, लाइक करोगे पक्का वीडियो। ये देखो गाइस, ओ माय गॉड, ये देख रहे हो क्या व्यू आ रहा है भाई। ये एक पुल है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से वर्किंग पे नहीं है पुल, और ये घर बना हुआ सामने, और नदी है, कोसी नदी है ना बाबा। गाइस एक कोसी नदी है यार, नीचे उतरने का जगह नहीं है यहाँ से, मानो उतरते नीचे को। तो गाइस फाइनली भाई दोबारा से रुक चुके हैं हम लोग, और इसलिए रुक गए, देखो बारिश भी तेज हो रही थी, और बारिश में ज़्यादा चलना भी खतरा ही रहता ना इस तरीके से, और भूख भी लग रही थी, तो फिर यहाँ पर एक ठाकुर जी का ढाबा था, हमने यहीं रुक गए, वॉशरूम वगैरह भी कर लेंगे, खाना पीना भी खा लेंगे, दाल चावल भाई मस्त वाला। इस वाले होटल का एक जो पीछे वाला पॉइंट है ना वो दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये नेचुरल ब्यूटी इसको कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी। तो गाइस अपनी दाल आ चुकी है यहाँ पर, और हमने लिया दाल रोटी, भाई सबसे बेस्ट है ना, और अभी रोटी आएगी उसके फिर मस्त खाना खाएंगे हम लोग बैठ के। तो गाइस मस्त खाना पीना हो चुका, मेरे बाल देख रहे हो कितने गंदे हो गए। और गाइस मेरा प्लान था वो नदी के पास जाने का, कोसी नदी के पास, लेकिन पता क्यों नहीं किया मैं, क्योंकि इस टाइम पे बाढ़ आती है, बाढ़ समझ रहे हो, ऊपर से बांध खुलता है कोसी नदी का बारिश के टाइम पे, तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया, बोले अभी मत जाओ बेटा, क्योंकि बहुत सारे एक बार पता 15 इंजीनियर यहाँ पर डूब गए थे, इसलिए उन्होंने मुझसे मना कर दिया, और मुझे भी सही लगा कि नहीं जाना चाहिए। आप लोग बैठेंगे गाड़ी में, और चलो अब बढ़ते हैं अपने पहाड़ की ओर, मतलब अपने घर की ओर। गाइस सामने के नज़ारे देख रहे हो भाई, कितने प्यारे आ रहे हैं ना, ये देखो नीचे कोसी नदी। भाई मुझे तो अभी तक कोई डैम ही नहीं दिखा यार, वो अंकल ने क्या पागल बना दिया क्या, वो कहते डैम है, कोई डैम ही नहीं आया भाई अभी तक, काकड़ी घाट का। तो गाइस ताऊ को बताओ, मुझे तो नहीं पता भाई काकड़ी घाट का डैम। गाइस फाइनली अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, और कुछ सामने से ये है जो आप लोग देख रहे हो, इतनी देर से ही देख रहे हो, बिल्कुल मज़ा आ रखा है, मज़ा समा बांध दिया है समझ लो आज, समा ठीक है ना। और अभी यहाँ पर इसलिए रुके हैं हम लोग, वरना हमारा कोई स्टॉपेज नहीं था, एक्चुअली दादा जा रहा है भाभी को लेने, ठीक है, तो पिथौरागढ़, तो दादा जा रहा है, दादा बाय, कल गाइस कल दादा आ जाएगा, और हम लोग अब जा रहे हैं, हमारा रास्ता दादा का रास्ता ऊपर को, हम लोग का है नीचे को। तो गाइस दादा भी गया, दादा को टैक्सी मिल गई, और अब हम भी चलते हैं, दादा गया ऊपर से, हम जाएंगे नीचे से, और देखो अम्मा आ रही हैं डंडे वंडे लेके, मस्त है बिल्कुल। तो गाइस फाइनली भाई जहाँ जाने का वेट था, अच्छा दादा स्कूटी लाया, तो गाइस दादा मिल चुका था हमें, दादा पहले ही आ गए थे 26 तारीख को, और अब हम अब आए हैं, दादा स्कूटी से घूमेंगे फिर तो, हैं स्कूटी से, गाइस स्कूटी से मारेंगे ट्रिप भाई आजकल, मतलब कल भी तो हम यहीं रहेंगे ना, तो अब स्कूटी चलेगी जिसकी भी है, हैं डेली तेल बढ़वाना पड़ता हो, अच्छा। तो गाइस देखो आ तो गए थे, और आते ही लोगों ने मोमोज मंगवा लिए, देख रहे हो
मैं तो खाता नहीं हूँ गंदी गंदी चीज़ें, मैंने छोड़ दिया भाई कब का। अब चाय भाई पी ली पापा लोगों ने, मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने एक क्रीम रोल खाया बस सच में। और अब जाना भाई ईसाई रोड पे, अब जो हमारा गांव में बसर वो ईसाई रोड पे, इतनी चढ़ाई है ना, सिंगल लेन रोड है, अब यहाँ जाना है। अब थोड़ा एडवेंचर ये है, चाबी मेरे हाथ में, चलो स्टार्ट करते हैं एडवेंचर। तो गाइस फाइनली भाई हम लोग अपने गांव में बहुत पास है, मतलब बहुत ज़्यादा पास, उधर साइड है ना भाई रोडे देख रहे हो, सिंगल लेन रोड है अभी, लेकिन बन गई, पहले तो बनी नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था पता है, अब कम से कम घर के आगे गाड़ी चली जाती है। गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके अपने गांव, अलग ही एक्साइटमेंट है भाई अपने घर को देखने का पता है, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कभी इसलिए। और देखो गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, पहले तो रोड पर गाड़ी आती नहीं, यहाँ आती नहीं थी, जहाँ पर हम लोगों ने ये चाय वाय पी थी ना पापा लोगों ने, वहीं पर आती थी बस गाड़ी, ठीक है। और घर कहाँ पर है, घर कहाँ पर है, घर वो है ना, वो एक घर तो ये है ऊपर। अच्छा गाइस, अच्छा 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 गाइस, एक इधर को है और एक वो इधर को है, वो लग रहा मुझे पीला वाला, कौन सा वाला बताओ ना फिर, अरे बताओ तो कौन सा है, सामान तो ले आओ, ये है। अच्छा गाइस ये वाला है सामने वाला, और वही कैसा लग रहा है गाइस, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही है, तो मुझे तो सामने का व्यू देखने में बहुत मजा आ रहा है भाई। चलो गाइस अब चलते हैं जहाँ पर घर है वहाँ चलते हैं, मुझे घर ही नहीं पता कहाँ पर है भाई। और गाइस देखो हमारे गांव में सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, ये देखो कूड़े के लिए बॉक्स बना कर रखा है लोगों ने, कूड़ा सब यहीं डाला है, किसी ने कोई गंदगी ज़्यादा फैलाई नहीं है। अब कुछ तो होते ही जो फैला देते हैं, लेकिन जिन्होंने डाला तो उन्होंने अच्छा ही करा है। और गाइस देखो इन रास्तों पर हम लोगों ने पहले भी चले हैं पता है, कहाँ पर बताओ, कहाँ पर, पिथौरागढ़, मैं कॉमेंट करके बताना कहाँ पर चढ़े थे, मैंने तो बता दिया लेकिन तब भी बताना आप लोग, हम लोग इस पर चढ़ रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है दीदी, हैं दीदी मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, ये वो है तो, ये कौन सा पेड़ है, कौन सा, ये बिच्छू पेड़, बिच्छू भाई, बिच्छू घास है, इसको लगा दो फिर तो रोंटे खड़े हो जाएंगे कसम से। ये देखो गाइस ऊपर को आ गए हम लोग, और ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, और देखना सुबह के टाइम पे जब मौसम साफ होगा तो हिमालय दिखता है यहाँ से पता है, हिमालय बहुत साफ दिखता है, पापा कह रहे हैं बिल्कुल क्लियरिटी में दिखता है हिमालय यहाँ से। तो गाइस ये है घर देखो हमारा वाला, जो दिख रहा है पीला कलर का, येलो कलर का, ये वाला है, मैं कंफ्यूज था, मैं किसी और को घर का अपना घर बता रहा था, देख रहे हो। चलो बाबा उतरो, लाओ लाओ मुझे दो, तो गाइस बैंड बजिए मेरा, तो चलते चलते भाई, ओह माय गॉड भाई ये है अपना अल्मोड़ा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा कौन सा गांव है भाई, मेरा गांव है अल्मोड़ा, देखो और देखो भाभी सामने, आपने वहाँ से मुझे आवाज़ लगाई थी ना जब मैं वहाँ पर था, आपने कहा व्लॉगर, तो नमस्ते। तो गाइस पहुँच चुके थे, सिर्फ पानी वानी पी लिया, भाभी ने पिला दिया दया या खाकर थोड़ी सा, और भाई ये देखो हमारा छोटा सा घर, छोटा सा तो क्या ही है भाई, अगर ये बन जाए ना प्रॉपर तो कितना सही लगेगा ये। और दादा दादा वॉशरूम वॉशरूम कहाँ, तो गाइस देखो वॉशरूम, ठीक है यहाँ से कोई जाग भी सकता है, ठीक है उधर से कोई जाग सकता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना, इस चीज़ का ख्याल रखना है, अब वो किचन है। और गाइस इसका होम टूर दूंगा मैं, ठीक है उसका मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा तब देखते हैं आप लोग। और भाई ये पता नीचे साइड बाग आया हुआ है, जस्ट नीचे साइड, और हम लोग का ताऊ लोग का प्लान है कि जाएंगे वहाँ पर, बाग से लड़के आएंगे, चलेगी तेरे वैसे प्यार में वो है, और हैं तो क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। और गाइस अभी मैं और मेरी बहन जा रहे हैं भाई, यहाँ के जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे उनके लिए चॉकलेट लेने है ना, सबसे बेस्ट गाइस ऐसे ही इसको ऐसे लेकर चलो। और गाइस देखो बच्चों के लिए छोटा सा स्कूल भी है यहाँ पर, ओ भाई यहाँ पर लिखा भी है देखो क्लास सेवेंथ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, मतलब भाई पहाड़ों में भी उन्नति हो रही है चीज़ों के साथ, देख रहे हो आप लोग चॉकलेट तुम भी लो लो, वेलकम। तो गाइस देख रहे हो पापा खाने नहीं दे रहे, नमस्ते गाइस, पापा चॉकलेट नहीं खाने दे रहे मुझे, पापा आपकी शक्ल इतनी साफ लग रही है ना पीछे बादल, अरे यार खाने नहीं दोगे, एक तो खा लेने दो। तो भाई देखो दीदी को लिफाफा मिल रहा है, पहली बार आई थी ना, इसमें भी एक का सिक्का होगा वो निकालो, हैं भाई देख रहे हो उसमें भी कुछ नहीं है भाई देखो मैं 17 साल बाद यहाँ पर आया और मुझे आते ही काम पे लगा दिया यार, हाँ भाई 10 साल बाद 17 साल भाई वो एक बचपन में आया था, बचपन में क्या बचपन है मैं भाई, तो अगली नहीं थी उतनी तो है ना, साल में दुनिया इधर से उधर हो जा रही है यार,
छोड़ो यार, बहस कर रहा है, दिन में हो जा रही है। तो गाइस अब धारे से पानी भर के लाना है। हाँ। चलो भाभी चलो। तो गाइस चल दिए हम धारा की ओर, ये पानी वानी भरने, अभी दिखाऊंगा कैसे होती धारा। तो गाइस देखो मौसम कितनी जल्दी बदलता है इंसानों की तरह। और भाई अभी तक इतने बादल हो रहे थे और अब देखो। भाभी आप कुछ कहना चाहती है इस मौसम पे? मजा आ रहा है यहाँ पर कसम से। अच्छा। भाई अरे भाभी बताए पहाड़ी में पता नहीं क्या क्या बोल जा रही हैं, मुझे तो लग रहा है गाली वाली बक दे रहे, मैं समझ नहीं पाता हूँ, थोड़ी बहुत समझता हूँ। कोई बात नहीं, इतना वेट उठाई लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है उसमें। तो गाइस देखो धारा का पानी यहाँ पर होता है, वैसे तो नॉर्मली आता है लेकिन यहाँ पर नल लगे हैं भाई, देखो सब में नल लगे हैं। देखो अम्मा लोग आए भाई सब, देखो भाभी शर्म करो, इतने बुजुर्ग अम्मा लोग आए अकेले और आप मुझे लेकर आई साथ में। चलो कोई बात नहीं, मेहनत तो कर ही लूँगा मैं इतनी। तो गाइस मेरा बाल्टी ले जाना कैंसिल, अब मैं थोड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ इन अम्मा लोगों की तरह, अब मैं लेकर जाऊँगा। ये जो दिए हैं कंटर, ये लेकर जाऊँगा दो दो, एक हाथ में दो, एक हाथ में दो, कैसे जाएंगे? ओके भाई, मतलब फ़ोन जेब में रखना पड़ेगा, अब वहीं मिलता हूँ हम लोगों से डायरेक्टली। गाइस आज पानी की कीमत पता चली मुझे, पहाड़ में कैसे लाया जाता पानी पता है मुझे, लेकिन मैं आज थोड़ा सा हाथ दर्द हो गए मेरे इतने ऊपर से लाने, मेरे को ताई लेकर आ रही हैं भाई। ये होता है पहाड़ में स्ट्रगल जो होता है ना असली, इसको कहते हैं स्ट्रगल। और गाइस देखो बच्चे मस्त लगे खेलने में, और बताओ क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। तो भाई दोबारा से आ चुके हम लोग घूमते घामते वापस इधर ही दुकान में, ठीक है। और तो अपने चाचा की दुकान ही मिलवाऊंगा आप लोगों को चाचा से, और वो दीदी भी आ गई, और खाओ फिर से आ गई तू। तो गाइस यहाँ पर हमारा देखो मैगी आ चुकी है, पापा लोग भी आ गए थे यहाँ पर, यहीं पर बैठे हुए मस्त और सामने के व्यू ले रहे हैं, और आराम से बैठ के यहाँ पर मैगी चल रही है हमारी। तो गाइस मैगी फिनिश, तो मैगी खा के हटाई थे, और एक और अम्मा दिख गई हमें यहाँ पर अपनी अम्मा। हेलो सब बढ़िया? हाँ हाँ छोटा सा था मैं, छोटा सा। और गाइस पहाड़ की एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, आप लोग ये कहोगे क्या चल रहा है, लद्दाख है क्या? हाँ लद्दाख है भाई, मिनी लद्दाख। इधर धूप आ रही है, ठीक है सब धूप आ रही है, और उधर देखो मुझे कोहरा सा दिख रहा है आप लोग को हल्का सा, वहाँ बारिश हो रही है पता है, वहाँ हो रही है बारिश। और वो देखो जो पूरा अल्मोड़ा गांव है, जो मेन अल्मोड़ा है, वो देखो कितना प्यारा, वहाँ भी धूप आ रही है, और इधर साइड देखो सब बारिश हो रही है। तो गाइस देखते देखते अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं यहाँ, बस ऐसी लाइटिंग चल रही है, ठीक है। और उधर साइड तो बहुत ज़्यादा है, वो देखो गाइस अभी इस वाले फ़ोन से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वैसे एंड्रॉइड फ़ोन है ना मेरा, तो ये कहता हूँ सपोर्ट करो, वरना पता है बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मौसम भी अच्छा है। और क्या है ना कि वो लाइटिंग है ना सामने, वो बहुत प्यारी लग रही है। एक्चुअली जो मेन अल्मोड़ा है वहाँ की लाइटिंग है वो, और वहाँ के सारे बल्ब ऑन है, जैसे यहाँ पर दिख रहे होंगे बल्ब ऑन है इतने सारे, ठीक है वहाँ पर ही बहुत सारे बल्ब ऑन है। और गाइस देखो ये छोटा सा किचन, और यहाँ पर लेडीज़ नहीं जेंट्स काम करते हैं, जैसे दादा कर रहा है। भाई सही से रोटी बनाना, मुझे अच्छी अच्छी चाहिए रोटी, ठीक है ना। तो गाइस अब आ चुके हैं भाई खाना खाने, और आज खाने बनाए हुए आलू बड़ी की सब्जी अपनी और चावल मस्त, सभी लोग बैठ के खा रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग। खाना पीना हो चुका है, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था अपनी जो कि कल पड़ने वाली है ना, और सामने तो भाई बारिश स्टार्ट हो गई है दोबारा बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे ख्याल से रुकेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से रेड अलर्ट पे बागेश्वर, अल्मोड़ा तो नहीं है बागेश्वर वगैरह है पता है, रेड अलर्ट पे बहुत बारिश होगी पिथौरागढ़ में इन तीन जगहों पर। हाँ गाइस यहाँ पर भी हो सकती है, कुछ नहीं पता गाइस, मजा तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर है ना भाई। इस सीरीज़ को छोड़ना मत आप लोग, क्योंकि दूसरा ब्लॉग है इस सीरीज़ का, ठीक है ना। और अब मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आई होप ये ब्लॉग आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।